कांस्टेबल की जाबाजी से दो चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करते थे लूटमारी और डकैती, लेकिन अंजाम हुआ बुरा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज हम आपको कुरार पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल की जाबाजी की खबर बता रहे हैं, जहां पर कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बार है और उसी बार पर दो चोर जो है वो चोरी के इरादे से आए थे। और ये चोर जो है काफ़ी प्रोफेशनल चोर है, इनके काफ़ी सारे गुनाह रजिस्टर्ड है कुरार पुलिस स्टेशन, और ऐसे तमाम पुलिस स्टेशन में 43 मामला इनके खिलाफ दर्ज है, चाहे वो डकैती हो, चोरी हो, ऐसे तमाम संगीन अपराधों के ये जो है क्रिमिनल आरोपी थे। और आखिरकार पुलिस के कांस्टेबल ने इन्हें धर दबोचा। जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो कांस्टेबल है उन्होंने, कुरार पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल है उन्होंने, जैसे ही स्पॉट पर पहुंचकर जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने जो है उनके ऊपर मिर्च का पाउडर और हथियारों से धारदार हथियारों से जो है जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन हालांकि इस खबर में जो है कांस्टेबल की फुर्ती से ये डकैती तो नहीं हो पाई और आखिरकार इन्हें चोरी का अंजाम जेल जाना पड़ा, इन्हें भुगतना पड़ा। अब इस पूरे केस को लेकर के कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने क्या पूरी जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं, और कैसे जो है चोरी को रोकने वाले कांस्टेबल का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर दिनांक 25 की रात यानी 26 के सुबह 4:45 बजे एक वारदात हो गया था। हमारे यहाँ पे रोशन वाइन शॉप है, वो वाइन शॉप के अंदर HBT हो गई थी, उसका शटर तोड़ के दुकान के अंदर घुस के वहाँ की 45,000 की कैश किसी अननोन अपराधियों ने चोरी करके लेके गए थे। उसके अंदर CCTV के अंदर जब हम लोग तहकीकात के अंदर CCTV देखे तो उसके अंदर धुंधले से लोग और एक रिक्शा दिख रही थी हमको, वो रिक्शा का नंबर भी सही नहीं दिख रहा था, और जो धुंधले से लोग दिख रहे थे उन्होंने पूरे मुंह के ऊपर मास्क लगाए थे, उनका आँख छोड़ के बाकी कोई भी हिस्सा उसके अंदर नहीं दिख रहा था। और अभी 31 तारीख के कुछ घटना वारदात नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारे सुपीरियर के अधिकारी है DCP साहब, जोन 12 नॉर्थ रीजन के हमारे एडिशनल CP साहब है, उन्होंने जो पूरी पुलिस स्टेशन को जो गाइडलाइन दी थी वो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए, जब मैं 30 तारीख को रात को यहाँ पे ड्यूटी पे आया था तो रात के परेड के ऊपर जो भी हमारा स्टाफ था उसके अंदर डिटेक्शन स्टाफ और यूनिफॉर्म वाला स्टाफ, उनको मैंने वो सूचना दी थी कि अपने पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी ऐसा हादसा प्रॉपर्टी ऑफिस बोलो या बॉडी ऑफिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए तुम लोग पूरे सतर्कता से गश्त करनी है तुमको, और अगर कोई इंसान कोई भी आदमी या गाड़ी आपको शक के हिसाब से देखती होगी तो पूरी गाड़ी की उसकी जांच करनी है, वो इंसान की जांच करनी है, ताकि खाली उनका लाइसेंस या हुडिया या हेलमेट नहीं देखना है, तो उनकी पूरी तलाशी आपको लेनी है। ऐसे उनको मैंने रात को सूचना दी थी, उस सूचने के हिसाब से जो निर्देश के ऊपर से हमारा स्टाफ रात को गश्त कर रहा था, गश्त के अंदर शिवाजी नगर रोड के ऊपर कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर प्रीमाइसेस के अंदर शिवाजी नगर रोड है, उधर 5 इसम और एक रिक्शा खड़ी हुई नज़र आ गई थी हमारे जहाँ पर सिपाही विक्रम वेदांत थे, उनको जैसे मैंने उनको सूचना दी थी उस सूचने के तहत उन्होंने उसको वहाँ पे रोका, उनकी इंक्वायरी चालू की, इंक्वायरी चालू करने के ऊपर से वो लोग हड़बड़ा गए और उसमें से 4 लोग वो लोग भागने को लगे तो वेदांत ने उसके ऊपर झड़प मार के उसके अंदर से एक आदमी को पकड़ लिया और वो 4 उसके अंदर भागने को कामयाब हो गए। भागते समय वेदांत ने उसको जोर से पकड़ लेने की वजह से जो उसको पकड़ लिया था उसने वेदांत के ऊपर हमला, जहाँ पर जो जवान है वेदांत उसने उसको छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के पटक दिया नीचे और उसको ताबे में लिया। तुरंत उसने उसको मदद के लिए हमारे बाकी के डिटेक्शन स्टाफ और मैं वहाँ पे चला गया, उसको ताबे में ले लिया। ताबे लेने के बाद में उसको पुलिस स्टेशन में ला के इंक्वायरी की तो वो कुरार पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस के अंदर डकैती करने के लिए वो लोग आए थे, ऐसा उसको मालूम दे दिया। 1-2-3 उनको दुकान तोड़ने का उन लोगों ने उसके अंदर प्रोग्राम रखा था, तो उनको अंजाम देने से हम लोग उनको रोक दिया है। उसके बाद में तहकीकात के अंदर जो 26 तारीख के दिन में जो रोशन वाइन शॉप तोड़ा था तो उन्होंने तोड़ा था करके उसके अंदर उसकी मालूमत दे दी है, दोनों के अंदर उनको अटक किया है,
तहकीकात के अंदर एक और एक मुजरिम मिला गया। ऐसे आज तक दो मुजरिम उसके अंदर हम लोग गिरफ्तार किए हैं। उसके अंदर एक जो मुजरिम है हारून जैदुल सरदार नाम है उसका, उसके ऊपर इसके पहले डकैत चोरी ऐसे 43 गुना उसके ऊपर दाखिल है। इस केस के अंदर जो हथियार बरामद हो गए हैं सब हम लोग ने सील किए, तहकीकात चालू है। आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है। सुपीरियर के मार्गदर्शन के ऊपर इस गुना का तपास चालू है। बैठा तो नहीं तो पता नहीं लग रहा। एक मिनट में भाई मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा, मैं वो ना टेंशन हो रहा।